नहीं, आज तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे है और कोई कहीं कोई नाराज नहीं है, सब ठीक। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार के सियासत में इन दिनों कई सारी चर्चाएं चरम पर हैं, खास करके आरजेडी को लेकर, जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर चर्चाएं सत्ता पक्ष की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए एक खबर हमारे सामने आई है। दरअसल जगदानंद सिंह नाराज हैं, ये खबरें आपने विभिन्न जगहों से सुनी होंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर सामने आई है कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है, बल्कि अपने छोटे भाई की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल वो अपने पैतृक गांव रामगढ़ में हैं और वहीं पर अपने भाई की सेवा में लगे हुए हैं, और यही वजह है कि जगदानंद सिंह पिछले कई दिनों से पार्टी कार्यालय नहीं आ पा रहे। नाराजगी की किसी भी तरह की बात को लेकर खुद आज तेजस्वी यादव ने इस तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, कोई भी नाराज नहीं है। और इसी तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी आई है कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह में कल मुलाकात होनी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब यह मुलाकात होगी तो जाहिर सी बात है, यह तो स्पष्ट रूप से कहा ही जा रहा है कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है, तो जब यह चर्चाएं चरम पर हो रही है तो इसको लेकर भी इन दोनों की मुलाकात के बाद जाहिर सी बात है मीडिया के सामने कई तरह की बातें सामने आएगी। लेकिन इन सबके बीच पिछले कई दिनों से यह खबरें लगातार सियासी गलियारों में तैर रही है कि आरजेडी के भीतर खानी सब कुछ ठीक नहीं, अंदरूनी नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले पोस्टर वार को अगर याद कर लिया जाए, उसके बाद मंच पर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने खड़े होकर अपनी भाषा की मर्यादा को खो दिया, अपने बड़बोलेपन को लेकर वो पहले भी चर्चा का विषय रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने जगदानंद सिंह को हिटलर करार कर दिया। अब ऐसे में इन बातों को लेकर पहले से ही आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं, इस बात की चर्चा सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इन बातों को आधार तेज प्रताप यादव भी दे दिया। और जब यह आधार मिला तो जाहिर बात है एक नया तुरुप का पत्ता सत्ता पक्ष के हाथों लग गया, और इसी की वजह से लगातार सत्ता पक्ष के तमाम नेतागण की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी जाने लगी। इसी कड़ी में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, इसमें अगर वरिष्ठ नेताओं को रहना है तो उन्हें अपना आत्मसम्मान खोना होगा, क्योंकि इससे भी पहले कई दफे ऐसा देखा गया है कि तेज प्रताप यादव ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए किया है। अब ऐसे में हाल ही में जगदानंद सिंह को लेकर भी ये खबर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं वो पार्टी के अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन उस खबर को भी सिरे से खारिज जगदानंद सिंह ने खुद ही कर दिया था। इसके बाद ये भी चर्चा सामने आई कि खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, इमोशनल होकर कई तरह की बातें उन्होंने जगदानंद सिंह से कही। ये भी कहा कि मैं कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हूँ, इस वक्त मेरे दोनों बच्चों को आपकी जरूरत है, इसलिए आप इस तरह का कदम ना ले। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा से ही जगदानंद सिंह को जगदा बाबू कहकर पुकारते हैं, लेकिन जब से इन दोनों भाइयों के हाथों पार्टी के विरासत को दिया गया है, जब से ये पार्टी को संभालने का काम कर रहे हैं, तब से ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई दफे ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जब पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की तौहीन की गई हो। अब ऐसे में ये चर्चाएं जब चरम पर हो रही है एक बार फिर से, तो इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सूत्रों के हवालों से यह खबर सामने आई है कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है, बल्कि वो कल खुद तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर और जो कुछ भी खबर हम तक पहुंचेगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।